तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल और आईएसएल से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज और अपडेटों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रोक टोक के वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इंडियन फुटबॉल में अभी ट्रेंडिंग जाने वाले टॉपिक यानी थ्री को लेकर। तो दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है थ्री के साथ केरला ब्लास्टर एफसी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अब टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है। लो दोस्तों, इसका जो कारण है वो मेन कारण है थ्री के साथ केरला ब्लास्टर एफसी ने जो प्री सीजन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट से कम देना चाहते हैं अभी पैसा केरला ब्लास्टर एफसी। लगभग 30-40% पैसा कम देने वाला है केरला ब्लास्टर एफसी। तो इससे चलते थ्री ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, इसी के चलते शायद थ्री इस सीजन में केरला ब्लास्टर एफसी में आप लोग को ना दिखे। तो दोस्तों, इसके मद्देनजर रखते हुए और भी बहुत सारे आईएसएल क्लब लगे हुए हैं इसी मौके का फायदा उठाने के लिए। तो दोस्तों, वो चाहते हैं इसी मौके का फायदा उठा के थ्री को अपने टीम में लेना। तो इसके मद्देनजर रखते हुए 2-3 क्लब आ चुके हैं। तो उनका जो दो पुराने क्लब है, मतलब जमशेदपुर एफसी और एटीके, भी चाहते हैं थ्री को अपने टीम में वापस लेना। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट आईएसएल सीजन में थ्री कौन से क्लब के तरफ से खेलते हैं, केरला ब्लास्टर एफसी, एटीके या जमशेदपुर एफसी, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। दोस्तों, आप बात करेंगे मुर्तजा फॉल को लेके। तो दोस्तों, मुर्तजा फॉल जो एफसी गोवा के तरफ से पिछले सीजन आईएसएल में खेल रहे थे, तो दोस्तों इनको वो अब मुंबई सिटी एफसी में लगभग कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, सर्जियो लोबेरा ने और एक मुंबई एफसी गोवा के प्लेयर को मुंबई सिटी एफसी में लेके आने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी चलते मुंबई सिटी एफसी में मुर्तजा फॉल लगभग कंफर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट आईएसएल सीजन में आप लोग मुर्तजा फॉल को मुंबई सिटी एफसी में जर्सी में देख सकते हैं, इसका ही चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अब बात करेंगे एफसी गोवा से जुड़ी हुई कुछ न्यूज के बारे में। तो जब से सुनने में आ रहा है मुर्तजा फॉल एफसी गोवा को छोड़ के मुंबई सिटी एफसी में जाने वाले हैं, तो एफसी गोवा ने भी एक सेंट्रल बैक के ऊपर अपना नजर गड़ा है बैठा है। तो दोस्तों, इसका नाम है लीमान साने। तो दोस्तों, ये इनका उम्र है 33 साल और ये बिलोंग करते हैं सेनेगल से। दोस्तों, ये सेनेगल के नेशनल टीम के तरफ से भी खेल चुके हैं। तो दोस्तों, मुर्तजा फॉल के एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं लीमान साने के रूप में एफसी गोवा ढूंढ के लेके आया है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे एटी के मोहन बगान से जुड़ी हुई कुछ न्यूज और अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है शेख साहिल और शुभो घोष के साथ एटी के मोहन बगान अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, इसके चलते शायद नेक्स्ट आईएसएल सीजन में आप लोगों को शेख साहिल और शुभो घोष को एटी के मोहन बगान के नए टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा रूमर्स निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट सीजन आईएसएल में आप लोगों को उमर अब्दुल रहमान को देखने को मिलेगा एटीके के तरफ से खेलते हुए। तो दोस्तों, उमर अब्दुल रहमान है कौन? तो दोस्तों, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। तो दोस्तों, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तरफ से खेलते हैं। इनका उम्र है 28 साल। ये बेसिकली अटैकिंग मिडफील्डर पोजिशन में खेलते आ रहे, बहुत ही अच्छे एक फुटबॉलर हैं। तो दोस्तों, इनको एशियन मेसी भी बुलाया जाता है। तो दोस्तों, इनका जो प्लेइंग स्टाइल है बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको शायद एटी के मोहन बगान नेक्स्ट आईएसएल सीजन में खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है ये जो रूमर्स निकल के आ रहा है ये पूरा का पूरा फॉल्स है, क्योंकि इनका जो अभी रीसेंट मार्केट वैल्यू है उसका जो कीमत है वो लगभग 12 से 15 करोड़ के बीच है। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके एटी के मोहन बगान कोई भी फॉरेन प्लेयर को नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों, इसका और एक रीज़न है क्योंकि अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन में अभी भी दो प्लेयर एटीके ने साइन कर चुके हैं, एक है जावी हर्नांडेस और एक है एडू गार्सिया। तो दोस्तों, इस दोनों प्लेयर के रहते हुए और एक अटैकिंग मिडफील्डर को नहीं खरीदेगा एटीके, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे ईस्ट बंगाल से जुड़ी हुई कुछ न्यूज और अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका है, ईस्ट बंगाल ने बहुत सारे इंडियन प्लेयर को ऑफर दिए हैं और उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं सीके विनीत। तो सीके विनीत को ऑफर भेजा था ईस्ट बंगाल ने, तो दोस्तों अभी भी वो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसी के चलते और दो प्लेयर को भी ऑफर भेज चुके हैं ईस्ट बंगाल, ऐसा ही सुनने में आ रहा है।
पहला है बेंगलुरु एफसी के तरफ से खेलने वाले रिनो एंटो को, जो एक बहुत ही अच्छे डिफेंसिव पोजीशन में खेलने वाले प्लेयर है। तो दोस्तों इसके साथ साथ और एक है वीपी शुए, जो मोहन बगान के तरफ से पिछले सीजन आई लीग में खेल रहे थे। तो दोस्तों इसके साथ साथ ईस्ट बंगाल ने तीन तीन प्लेयर को ऑफर भेजे हैं, जो है सी के विनीत, रियो एंटो, रिनो एंटो और वीपी शुए। तो दोस्तों अब देखना है ये होगा क्या ईस्ट बंगाल इन सभी प्लेयरों को साइन कर पाते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो दोस्तों ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कर भी सकते हैं नहीं भी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर इन सभी न्यूज़ों में से आप लोगों को कोई भी ऐसा न्यूज़ अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देना भाई। और अब इसके बाद अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में बात करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई लगातार नए न्यूज़ और अपडेट पाना चाहते हैं तो लाल वाला बटन जो है उसको दबा दीजिए, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ मज़ेदार न्यूज़ और अपडेटों के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।